वेलकम है नाज़रीन। आपको बताएं कराची में मौजूद पाक फ़ज़ाया के जंगी म्यूजियम में इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की डमी नस्ब कर दी गई है, जो हर खास आवाम की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। मज़ीद बता रही हैं समीन नवाज़। जी समीन जी, बिल्कुल। देखिए, भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक्स, फेक सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से जो खबरें गर्दिश करती रहती हैं वो कोई नई बात नहीं है। सबको मालूम है कि किस तरह के ड्रामे क्रिएट किए जाते हैं, जो इससे कबल एक मरतबा पुलवामा अटैक और बालाकोट स्ट्राइक के हवाले से भी सामने आया। MiG-21 वो भारतीय तैयारा है जो पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने मार गिराया था, और इस वक्त ये PAF म्यूज़ियम कराची में मौजूद है। इसका तबाह शुदा जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है जहाज़ का, ये टेल पार्ट है MiG-21 का, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी और इस तैयारे को मार गिराया था पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने। और अब उस तबाहशुदा उस तैयारे का जो ढांचा है वो इस म्यूज़ियम में रख दिया गया है। ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर के नाम से जो गैलरी कायम की गई है PF म्यूज़ियम कराची में, और साथ ही यहाँ पर कुछ कमांडर्स भी मौजूद हैं, कुछ पायलट्स भी मौजूद हैं, वो शाहीन जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, विंग कमांडर नुमान अली खान, विंग कमांडर फ़हीम अहमद और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी। ये वो तमाम तर पायलट्स और पाक फ़िज़ाइया का फ़ख्र हैं जिन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन की इस कोशिश को नाकाम बनाया था। और साथ ही यहाँ पर इस आर्ट गैलरी में, इस गैलरी में मौजूद है विंग कमांडर अभिनंदन की वो डमी, वो इनका यहाँ पर स्टैचू रखा गया है, जिसके साथ पाक फ़िज़ाइया का एक ऑफिसर भी मौजूद है। और हमने चूंकि इसको अरेस्ट किया था इस जहाज़ को मार गिराने के बाद, और फिर बाद में जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने बाकायदा फैसला किया कि इसको वापस भेजा जाएगा, तो 1 मार्च को इसको मुल्क तो ज़रूर वापस भेज दिया गया, लेकिन इनकी डमी अभी भी इस म्यूज़ियम में रखी हुई है। और उसके साथ उनकी कुछ अशिया रखी हुई हैं जो उनके ज़ेर इस्तेमाल नक्शे थे, कुछ घड़ियाँ थी, कुछ उनका साजो सामान था जो यहाँ रखा हुआ था, जो इस बात की याद दिलाता रहेगा भारत को कि अगर आइंदा दोबारा ऐसी कोई कोशिश की गई भारत की जानिब से, तो जो हशर विंग कमांडर अभिनंदन का हुआ है गो के बहुत अच्छे इखलाक के साथ उनके पेश साथ पेश आए, चाय पिलाई गई, काफ़ी इज्जत दी गई उनको, जिसकी वहां जाकर उन्होंने बाद में तारीफ की। समीन आप हमें आगाह करती, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिए।